दिस वीडियो इज ऑन वाल्टर पेटर एज ए क्रिटिक, और कैमरा मूव हो रहा है तो पॉज करके पढ़ लेना फिर समझना। ही वॉज बॉर्न इन 1839 एंड डाइड इन 1894। वो एकेडमिक थे, एसेस्ट थे, राइटर थे, उन्होंने एसे और आर्ट क्रिटिसिज्म पे काम किया। उनकी मोस्ट नोटेबल क्रिटिक वर्क है द रिनेसांस, जो 1873 में आई थी। इसका पूरा नाम है वाल्टर होरेसियो पेटर। इसकी रिनेसांस पॉपुलर भी थी और कंट्रोवर्शियल भी थी। पेटर द एस्थेटिक मूवमेंट के पायनियर भी हैं, और इन्होंने एक एस्थेटिक मूवमेंट का अनदर राइडर और राइटर है ऑस्कर वाइल्ड, ये इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। और कुछ अर्ली लिटरेरी मॉडर्निस्ट भी इनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे, जैसे जेम्स जॉयस, डब्ल्यू वीट्स एंड टी एस इलियट। अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इन्होंने सब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा इम्फेसिस किया है रीडर पे। इनकी क्रिटिकल मेथड डिस्क्राइब है बुक द रिनेसांस में। उनके प्रीफेस में इन्होंने सब्जेक्टिव रिलेटिविस्ट रिस्पॉन्स टू लाइफ आइडियाज़ को प्रमोट किया है, एज अपोज टू मैथ्यू अर्नोल्ड की जो ड्रायर ऑब्जेक्टिव मॉरल क्रिटिसिज्म थी उनके अपोज। पेटर इफेक्ट से ज़्यादा काउज ऑफ पोएट्री पे देख ध्यान दिए, और उस हिज क्रिटिकल मेथड इज सीन एज ए क्वेस्ट फॉर इम्प्रेशंस, इन्हें इम्प्रेसनिस्ट भी कहा गया। वाल्टर पेटर एंड एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिज्म एक मूवमेंट था, और कोई भी चीज़ एस्थेटिक होती है जब उनका कोई सोशल या मॉरल नहीं वैल्यू रहता है, वो बस ब्यूटी के लिए आर्ट पर्पज से बनाया जाए। वाल्टर पेटर क्वाइन किए थे फ्रेज आर्ट फॉर आर्ट से, और लेकिन उन्होंने एस्थेटिक ऑब्जेक्ट की तुलना में एस्थेटिक एक्सपीरियंस पे जोर दिया था। पेटर वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम रिनेसा पोएट्री, इन्हें बहुत पसंद थी क्योंकि इन्होंने कुछ साल इटली में भी गुजारे थे। पेटर का वर्क को जिस इरा में किया है उन्हें डिकेडेंस कहा जाता है। ये लोग को सोशल और पॉलिटिकल कंसर्न से मतलब नहीं था, ये बस फेवर में थे आर्ट और एक्सपीरियंस के तरक्की में। इनका सब्जेक्टिव वे ऑफ क्रिटिसिज्म कहता है कि क्रिटिक को अपना ऑन इम्प्रेशन देखना चाहिए। टू डिस्क्रिमिनेट टू रियलाइज इज डिस्टिंक्टली, क्रिटिक को पूछना चाहिए व्हाट इज दिस सॉन्ग टू मी, व्हाट इफेक्ट इट प्रोड्यूस ऑन मी, और इन्हीं का जो आंसर होगा वो ओरिजिनल फैक्ट होगा और उसी को क्रिटिक कन्फ्रंट करना चाहिए। और पेटर के लिए एक्सपीरियंस ज़्यादा मायने रखता है, एज आई सेड कॉज से ज़्यादा इसको इफेक्ट से ज़्यादा इनको कॉज पसंद था। नॉट द फ्रूट ऑफ एक्सपीरियंस बट द एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज द एंड। इनके हिसाब से एक्सपीरियंस ही एंड है, ना कि रिजल्ट देखना चाहिए। इस वर्क का इफेक्ट क्या ये नहीं देखना चाहिए बल्कि कॉज देखना चाहिए, जो कि एक्सपीरियंस में होता है। दैट्स इट, दिस इज वाल्टर पेटर एज क्रिटिक।